हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू जूनियर। चलिए बात करते हैं आज हम अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2 से है। और देखिए इसमें कह क्या रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। मतलब यह हुआ कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कह रहा है जीरो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, जीरोज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है कितने प्रकार के होते हैं। असल में पॉलिनोमियल दो तीन प्रकार के होते हैं। एक आपको बता दें, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर होता है। एक होता है आपका क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लीनियर और क्वाड्रेटिक क्या डिफरेंस होता है तो आपको बता दें। लीनियर में क्या होता है कि जो भी आपका वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड या यू वी टी, जो भी ले लो, जो भी आपका वेरिएबल होंगे, वो सारे के सारे पर पावर क्या होना चाहिए, सब पर एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे। मतलब एक पावर वाले वेरिएबल को लीनियर कहा जाता है और दो पावर वाले वेरिएबल को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक कहा जाता है। ये देखिए, दो पावर वाला वेरिएबल है आपके, जो भी ले लो, किसी पर भी पावर दो ले लो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? दो पावर वाले है, तो क्वाड्रेटिक कहा जाता है। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आया, लीनियर क्वाड्रेटिक होता है। हालांकि थ्री पावर वेरिएबल कभी होता है, समझ में आ रहा है? थ्री पावर कभी होता है, तो उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और उठता है कि भाई बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक बात आपको बता दें कि लीनियर क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स या वाई या जेड या कुछ भी हो, अगर एक पावर वाला है तो याद रखना उसका जो जीरो आएगा सिर्फ एक आएगा। याद रखना, लीनियर पावर वाले मतलब लीनियर पॉलीनोमियल में अगर जीरोज की बात किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोज वन आएंगे। अगर उसको सॉल्व किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोज वन आएंगे। एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आपका अगर जीरोज की बात किया जाए तो कितने जीरो आएंगे? टू आएंगे। इसका मतलब पावर दो है तो दो इसका आंसर आएगा। एक्स अगर एक्स में है तो एक्स का आंसर, एक्स का वैल्यू दो आएंगे। अगर वाई है तो वाई का वैल्यू दो आएंगे। अगर जेड है तो जेड का वैल्यू भी दो आएंगे। इसमें देखिए, एक्स एक पावर है, वाई एक पावर, जो भी एक पावर है उसका सबका वैल्यू एक ही आएगा लीनियर वाला में। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि भाई क्वाड्रेटिक जो है पॉलीनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आपके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बता दूं क्वाड्रेटिक का क्या होता है, तो देख लीजिए। इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके दो जीरोज होंगे ना, दो जीरोज होंगे। तो चलिए दो जीरोज के बाद बोलते हैं, तो दो जीरोज होंगे तो एक काम ले लेते हैं अल्फा। क्या होती ले लेते हैं? अल्फा मतलब एक्स का वैल्यू दो आएंगे ना, तो एक को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा ले लेता हूं और दूसरे को ले लेता हूं लोग बीटा। समझ में आ रहा है? यानी कि एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा। मीन्स एक्स का अलग अलग वैल्यू आ सकता है या दोनों बराबर भी आ सकता है, लेकिन एक्स का अलग अलग वैल्यू आ सकता है। सो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। चलिए अब देखिए, अल्फा और बीटा में रिलेशन होते हैं। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होते हैं तो यहां मैं लिख देता हूं अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होते हैं। देखिए, अल्फा और प्लस बीटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। इसका जो रिलेशन होता है या इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है? माइनस बी बाय ए। एंड अल्फा इंटू बीटा, इसमें भी एक रिलेशन होता है, इसका होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। बस इतना सा बात आपको याद रखना है, आपका सारा क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है तो अगर आपने यहाँ पर दो तीन चार पांच जो भी हो सकता है, बी की जगह पर भी एक दो तीन चार जो भी हो सकता है, सी का मान भी कुछ भी हो सकता है, ये इसी तरह कुछ भी आप मतलब डाल के एक नया पॉलीनोमियल बना सकते हो, कोई भी पॉलीनोमियल। समझ में आ रहा है? तो उसका जो आपका शून्यक है मतलब कि जीरोज है, वो अल्फा एंड बीटा होंगे। और इसमें रिलेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। बस इसी बात का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है। कहता है इसका पहले तो आप जीरो निकालो, उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करो कि क्या ये सही में इसका यही मतलब आंसर है कि नहीं। मैं वेरीफाई भी करके बताऊंगा। चलिए आप ये आगे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्यूशन डालते हैं।
क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था किसी का भी शून्य मतलब किसी का भी जीरो निकालते हैं तो जीरो निकालने के लिए जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया रहता है उसके बराबर में हम लोग क्या करते हैं जीरो रख डालते हैं। क्या करते हैं जीरो डालते हैं। यहाँ देखो जीरो डाल दिया। बस अब याद करो ये हम लोगों ने एक्स क्लास में पढ़ा है कि इस चैप्टर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, बस कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करके देख लेना है कितना होता है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाला माइनस एट है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या या आपका हो जाएगा माइनस एट एक्स स्क्वायर होगा ना, माइनस एट एक्स स्क्वायर। बस ऐसा में अब बीच वाले को आपको ऐसे ब्रेक डाउन करना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने यानी कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आपको माइनस टू एक्स आना चाहिए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस एट एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो मुझे यहां पर आसानी से हम इसको ढूंढ सकते हैं, कैसे एक्स स्क्वायर यहां लिख सकते हो, इसको हम लोग माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स। देखो जब इसको जोड़ो या घटाओगे यानी घटाना ही पड़ेगा, घटाओगे तो माइनस टू एक्स जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फोर टू जाए यानी माइनस एट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपके साथ में जो माइनस एट है इसको भी ले लो इक्वल टू जीरो। बस इसको तोड़ना था हमने, इसको यहां से यहां तोड़ दिया। आया समझ में? अब क्या करना है इसको यहां पे आपको देख लो इसमें कॉमन आ रहा है, देखो एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे एंड बचेगा यहाँ पर एक एक्स बचेगा और यहाँ पर एक्स तो बाहर कॉमन आ गया तो बचा यहाँ पर फोर। ओके और इस दोनों में देखो कॉमन आ रहा है दो आपका, क्योंकि एक्स नहीं एक्स सिर्फ यहाँ नहीं यहाँ है, सिर्फ दो ही कॉमन आ रहा है क्योंकि दो से दोनों में क्या डिवाइड हो रहा है भाग लग रहा है तो यहाँ बचेगा एक्स यहाँ बचेगा फोर टू फोर जाए होगा समझ में एंड बराबर जीरो। ये समझ में आया? बस ऐसे किया जाता है कॉमन लेके। आप देखो कॉमन हमारा सही है कि नहीं है ये यहां से पता चलेगा। यहाँ देखो एक्स माइनस फोर है, यहाँ भी आपका एक्स माइनस फोर है यानी मेरा कॉमन सही जा रहा है यानी ये मेरा हिसाब सही बन रहा है। तो ये दोनों के बदले में एक लिया जाता है समझे, ये दोनों बदले में एक कॉमन लिया जाता है और फिर देखो यहाँ इसके दोनों के बदले में एक लिया, जो बचा वो यहाँ पर ब्रैकेट में ले लिया जाता है। आपका क्या बचा एक्स प्लस टू ही ना बचा। ओके इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या करना है, एक बार इसके लिए जीरो एक बार इसके लिए जीरो यानी x माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड या और डाल के कर सकते हो और x प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओके यहां सबका क्या हो जाएगा x इक्वल टू फोर एंड यहां सबका क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसका मैंने बताया था ना कि इसका जीरो दो होना चाहिए। चलिए देख रहे हैं आप यहाँ पर जीरो दो आया, एक एक्स इक्वल टू फोर आया, एक एक्स इक्वल टू टू आया, ऐसा में जीरो यहाँ पर दो आया। अब यहाँ पर हमको जांच करना है, क्या करना है जांच चेक करना है क्या ये मेरा सही है या नहीं है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं, जांच करने का हम लोग क्या करना है देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, हम लोग क्या करेंगे जांच करने से में सबसे पहले तो देखो अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा को डालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्योंकि एक अल्फा एक बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा रखोगे तो अल्फा का वैल्यू आपका फोर आया था यहाँ फोर डाल दो एंड बीटा का वैल्यू आपका क्या है माइनस टू आया था तो प्लस डाल के माइनस टू डाल दिया। ओके तो ये क्या हो जाएगा फोर माइनस टू इक्वल टू टू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू टू आया ठीक है। चलो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डालते हैं तो अल्फा का मान क्या आया चार आया है एंड मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा का वैल्यू आपका माइनस टू आया, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ओके यानी फोर टू जा एट माइनस एट आया ठीक है। ये तो मैंने जो अभी जीरो निकाला है उसको सीधा सीधी इसमें वैल्यू पुट करके हमने निकाल डाला है लेकिन अब हम क्या करेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर लगा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है होता है। अब देखिए यहाँ पे यहां समझेंगे यहां नहीं कुछ तो एक है, यहां पर आपको बी मतलब नहीं कुछ तो एक है तो इसको ए समझेंगे, ये आपका बी है एंड ये आपका सी है हो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था ना ए बी सी यहाँ होता है। ओके तो यहाँ नहीं कुछ तो एक है, यहाँ पर देखिए बी है यहाँ पर क्या एट है, यहाँ पर ए यानी कि ए इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू माइनस टू है एंड सी इक्वल टू माइनस एट है। तो चलो फॉर्मूला बिठाते हैं, यहाँ देखो फॉर्मूला बिठाते हैं, बी बी की जगह पर माइनस टू है ना, ऑलरेडी यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा टू हो गया, आया समझ में। एंड ए एक जगह पर क्या एक है तो यहाँ पर एक डालेंगे इक्वल टू कितना है आपका टू, कहीं ना कहीं मेरा ये मिल रहा है, मिल रहा है यानी सही जा रहा है। ओके चलिए अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डालेंगे, चलिए इसका इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए होता है। चलिए सी की जगह पर माइनस एट है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस एट डालेंगे एंड ए की जगह पर क्या आपका वन है तो वन डालेंगे ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर माइनस एट आया जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही मैच कर रहा है एंड इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो क्वेश्चन हमने जो बनाया ये सारे के सारे सही है और इसका हम लोग वेरीफाइड भी कर दिए यानी सारा मिल रहा है। यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे वेरीफाइड मतलब सत्यता की जांच हो गई। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आगे नेक्स्ट
वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।